टूटे हुए रिश्ते को ऐसे जोड़ने। नमस्कार मित्रों, स्वागत है सिद्ध टूट के चैनल पर आप सबका एक बार फिर से। टूटा हुआ रिश्ता कैसे जुड़ सकता है? टूटे हुए रिश्ते का मतलब समझते हैं, दो लोग जो बहुत करीब हैं वो बहुत दूर हो चुके हैं, तो अभी भी मन से करीब हैं लेकिन ऐसे देखा जाए तो दूर हैं। तो इस रिश्ते को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? और बहुत ही ज़रूरी है ये। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप किसी को प्रेम करते हो तो उसके बगैर आप रह नहीं सकते, तो वो तो आपकी ज़िंदगी में चाहिए ही चाहिए। और इसके लिए कई तरह के वीडियोस, कई तरह के उपाय, कई तरह के झंझटें आपको बताई जाती रहती हैं। बहुत सारे चैनल पे बहुत सारी बातें की जाती रहती हैं, कई सारे ऊटपटांग उपाय भी आपसे कराए जाते हैं। ये सब कुछ छोड़ करके आसान आसान उपाय भी आप कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आपके मन में है कि हमें ये चीज़ पानी है तो आप उस चीज़ को पाएंगे। बस आप उसके लिए, उसकी दिशा में बढ़ने के लिए उपाय करिए मन से। और हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि आपके द्वारा किए जाने वाले उपायों से किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। किसी का अनिष्ट करने वाले उपाय अगर आप कर रहे हैं तो वो उपाय आपके लिए कब तक फायदेमंद रह सकते हैं? वो ज़रूर आपको पलट के नुकसान देंगे। और मेरे चैनल पर मैं आपको हमेशा ही ऐसे उपाय बताता हूँ जो कि आपके लिए सरलतापूर्ण रहें, और ऐसे उपाय रहें कि अगर आप किसी वजह से कोई गलती भी कर दो करते समय तो उसका कोई बुरा असर आप पे ना पड़े, सारी चीज़ें ठीक ठाक रहें। बस इतना ही होगा कि आपका उपाय फेल हो जाएगा, लेकिन आप उसे दोबारा कर सकते हैं और फिर वो आपके लिए सफल हो जाएगा अगर आपने गलती नहीं की तो। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे टूटे हुए रिश्ते को जोड़ सकते हैं। उससे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। अगर मुझसे बात करना चाहते हैं, कोई सवाल या सुझाव है तो डाउनलोड करें कॉल मी फोर ऐप और मुझे कॉल करें। मेरी आईडी याद रखें सिद्ध टोटके @cm4। दूसरी आईडी है astrohelp@cm4। इस पर भी आपको आचार्य मिलेंगे, आप उनसे बात कर सकते हैं, अपनी समस्या बताइए, उचित सरल और अच्छे उपाय प्राप्त करिए जिसमें कोई भी झंझट ना हो और आप बहुत आराम से अपने जीवन को सुखी जीवन में बदल करके खुशहाली के साथ रहें। चैनल पे ज्वाइन बटन भी है तो सब्सक्राइब के साथ ही साथ आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। स्पेशल वीडियोज आपको वहाँ मिल जाएंगे, आप जो रिक्वेस्ट करेंगे उस तरह के वीडियोज आपको मिल जाएंगे। अब हम चलते हैं, बात करते हैं आपको उपाय क्या करना है। तो दो लोग जिनके बीच में प्रेम है, जाहिर सी बात है उनके पास कुछ ना कुछ सामान होगा उस व्यक्ति का। नहीं है तो भी कोई समस्या नहीं, अगर सामान है तो सामान के साथ करेंगे जैसा बताऊँगा, और नहीं है तो बहुत ही सरल तरीका है, सामान है भी तब भी आप ये वाला उपाय कर सकते हैं। सरलतापूर्ण क्या करें, कोई भी एक मीठा फल या कोई मिठाई ले लीजिए, एक लाल धागा ले लीजिए, लाल धागे की लंबाई सिर से लेकर आपके हृदय तक, माने सिर पे बिल्कुल आप माथे पे एकदम ऊपर लगाइए और वहाँ से खींच करके अपने सीने तक लाइए जहाँ दिल है, ठीक है, वहाँ तक। और इतना लंबा धागा आप तोड़ लीजिए लाल वाला, वो कलावा भी हो सकता है। अब एक भोजपत्र ले लीजिए और भोजपत्र पर आपको नाम लिख लेना है अपना और अपने साथी का, दोनों का नाम होना चाहिए। भोजपत्र पर लाल कलम से भी लिख सकते हैं, यानी लाल स्याही वाली कलम से, या फिर ज़्यादा अच्छा होगा कि आप अष्टगंध की स्याही और अनार की कलम से लिख लें। अगर आपके पास भोजपत्र, अनार की कलम या अष्टगंध जैसी चीज़ें नहीं हैं तो आप इन्हें मंगवा सकते हैं। मंगवाने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर क्लिक करें और उसे मंगवा लें, और इसके बाद में आप बताई गई चीज़ों को करें, आपको सफलता भी मिल जाएगी। क्या करना है और कब करना है, तो ये किसी भी दिन कर सकते हैं, संडे छोड़ दीजिएगा, रविवार छोड़ करके किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। मिठाई या मीठा फल लीजिए, भोजपत्र पे एक छोटा सा टुकड़ा, उस पे नाम लिखिए दोनों का, और उसको मोड़ करके उस मिठाई के अंदर या फिर फल के अंदर डाल दीजिए। फल को थोड़ा काटेंगे, काट के उसके अंदर डाल दीजिए और ऊपर से लाल धागा लपेट देंगे। तो फल में रखते हैं तब भी वही काम करना है, मिठाई के अंदर डाल के रखते हैं तब भी वही काम करना, दोनों पर ही लाल धागा लपेट देना है। और इसको ले जा करके जहाँ तक संभव हो तो इसको किसी पीपल के पेड़ के नीचे रखना है। अगर पीपल का पेड़ नहीं है तो आप किसी आम के पेड़ के नीचे या कोई भी अच्छा पेड़ आपको जो भी आपके आस पास है उसके नीचे रख सकते हैं, किसी मंदिर में भी जा करके रख सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा है कि आप इसे किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख दें और अपने द्वारा चुनी हुई किसी एक जगह पर रोज दिया जलाना शुरू कर दें। दिया तेल का भी जला सकते हैं, मीठे तेल का जलाइए, और दिया आप जला सकते हैं घी का भी, तो जो भी आपके हाथ में है, जो भी संभव हो।
अब दोनों में से, लेकिन ये रेगुलर करना है। तो आप ये करना शुरू कर दें, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, फिर से पुनः वो सारी बातें हो जाएंगी जो आप चाहते हैं। केवल इतना ही उपाय, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है। जब आपको लगे अब सब कुछ ठीक हो गया है, तब आप चाहें तो दिया जलाना बंद कर सकते हैं, नहीं तो बेहतर होगा कि आप करते रहिए ताकि सारी चीज़ें हमेशा के लिए ठीक रहें। और ये सब कुछ आपको अपने इच्छा से कि कहाँ पर हम करें, ये आपकी इच्छा अनुसार आप दिया जला सकते हैं, ये आप पर छोड़ते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई सवाल सुझाव है तो आप कॉल मी फोर ऐप पर हमें कॉल कर सकते हैं, siddhu.k@cm4 या astrohelp@cm4 पर भी आप ईमेल भी कर सकते हैं, आपकी जैसी भी मर्जी है। व्हाट्सएप के लिए भी नंबर आपको उपलब्ध है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए।